सनातन मूल्यों का क्षरण न हो ये देखकर चलते समय और भी एक बाधा है, वो बाहर से आती है, जो भारतवर्ष की प्रगति को होने नहीं देना चाहते। उसलिए भारतवर्ष के समाज में किसी प्रकार का सद्भाव सामंजस्य जो नहीं चाहते, जिनके स्वार्थों को मार मिलेगी ऐसा उनको डर लगता है, ऐसा होने से वो सारी शक्तियां बाधा उत्पन्न करती है। अब उनके साधन भी होते हैं अपना स्वार्थ साधने के लिए, असत्य विमर्श पैदा करते हैं, गलत विमर्श पैदा करते हैं, हमको भटकाने के लिए हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो, कलह बढ़े, देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, नियम कानून के प्रति सम्मान न रहे, किसी को और कोई बंधन न रहे, डर न रहे, अनुशासन न रहे, इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है, वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सबको पता है, हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं। और हमको, हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं, जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं, राष्ट्र विरोधी ऐसी बातों का निर्भयता पूर्वक और निर्मोही होकर अपने पराय का विचार न करते हुए हमको निषेध ही करना पड़ेगा, प्रतिकार भी करना पड़ेगा। शासन प्रशासन इनको नियंत्रित या निर्मूल करने का जो प्रयास करता है उसमें उनके सहयोगी बनना पड़ेगा। ये कार्रवाइयां चल रही है, भोलेपन से समाज उसमें फंसे नहीं,